नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक पार्ट 44 में बात करेंगे दोस्तों। तो पार्ट 44 में बात करेंगे और यहाँ पे आपका आइसोमेट्रिक व्यू है और यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है और यहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। दोनों को बंद करके खोलना भी सिखाएंगे और खोल के बंद करना भी सिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस आइसोमेट्रिक व्यू को हम क्लियर करते हैं कि किस प्रकार से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में TAP में एंड FAP में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि दिए गए ऑब्जेक्ट, मतलब इसको ऑब्जेक्ट या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोलेगा, ठीक है। दिए गए ऑब्जेक्ट को टॉप फ्रंट साइड या इलिवेशन में आपको क्लियर करना, तीन पार्ट में आपको क्लियर करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम दोस्तों कि ड्राइंग चार शीट लेते हैं और लेने के बाद उसमें चार कोऑर्डिनेट बांटते हैं जिसमें वाई एच होगा और एक्स एच होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर हमें कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, उस पर लिखा रहेगा। तो थर्ड एंगल में बनाना है कि फर्स्ट एंगल में, क्वेश्चन पे लिखा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड एंगल के प्रोजेक्शन में ये टॉप है, ये फ्रंट है, ये साइड होगा। कहा जाता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जहाँ पे जो वस्तु है, जहाँ पे जो प्रक्षेप बनेगा, वहीं पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में रहेगा, क्लियर। अब यहाँ पे टॉप है तो टॉप यहाँ पे होगा, तो टॉप को बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल में लाइन खींची जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम HP लिख देंगे, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और नीचे साइड एंड फ्रंट है तो यहाँ पे वर्टिकल की लाइन की जरूरत होती है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, VP लिख देंगे, ओके। तो मतलब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो गया और वर्टिकल प्रोजेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम टॉप को क्लियर करते हैं दोस्तों, यहाँ पे टॉप को हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे दोस्तों, टॉप और फ्रंट को दोनों ले रहा है यहाँ पे, टॉप और फ्रंट को, ठीक है। चलिए नीचे वाले फ्रंट से हम चलते हैं, तो नीचे वाले का हाइट कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे तो 15 है और 15 के बाद से ये भी 15 है, तो 30 का पूरा ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पे 30 नापेंगे और नापने के बाद से देखेंगे, यहाँ से 15 लिया और फिर 15 लिया तो ये 30 हो गया। इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों, यहाँ से तो 55 है, तो 55 हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम 55 ले लेंगे। चलो 55 हमने ले लिया और ले जाने के बाद से यहाँ इसमें इसको मिला दिया, ओके। ये एक आपका बॉक्स बन गया, ये जो इधर से आप दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये पहला वाला बॉक्स जो है वो 15 पर है, तो 15 पर निशान लगा के आप सीधे काट देंगे, ओके। ये आपका नीचे वाला पार्ट यहाँ का बिल्कुल तैयार हो गया, जो इस प्रकार की सेक्शनिंग की गई है, ओके। ये वाला पार्ट बन के तैयार होगा। अब यहाँ का आपको देखना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 55 का आधा कर लेंगे और 55 का आधा करने के बाद से यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और लगाने के बाद से सीधे ऊपर जाइए और इस साइड में जाइए, यहाँ कितना लिखा है उसकी हाइट, जो आपकी चौड़ाई होगी उसके हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो 35 हो जाएगा, ठीक है। अब 35 को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 55 है दोस्तों, तो 25 दूनी 50 और 26 27, 27.5 हो जाएगा, तो 27.5 इधर और 27.5 इधर ले लेंगे, ठीक है। तो 27.5 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और लगाने के बाद से दोस्तों ये वाला 35 है, तो 35 यहाँ का जो रेंज है यहाँ से देखेंगे तो 20 का है और इधर भी 20 का होगा। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ से नीचे 20 पर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ से 20 पर पॉइंट लगा देंगे और लगाने के बाद से डायरेक्ट हमको नहीं लेना है, ये जो आपका यहाँ पे पॉइंट बनेगा यहाँ से 35 का आधा करेंगे तो 17.5 इधर और 17.5 इधर, तो ये आएगा और यहाँ से ये पॉइंट तो सीधे क्या मिलेगी दोस्तों, ये यहाँ से गिरेगा और ये यहाँ से गिरेगा, ये वाला पार्ट बन गया आपका यहाँ वाला, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ से इरेज कर देंगे, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है, आपको कितना काम था बस ये वाला और ये वाला पार्ट का। देखिए ये और ये पार्ट आपका बन गया, अगर इसके अगल बगल कोई पार्ट हिडन है, छुपी है, तो आप देख सकते हो कोई पार्ट दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ये पहला आपका काम बनके बिल्कुल तैयार हो गया। चलिए साइड वाला चेक कर लेते हैं, साइड में वही है आपका, कितना गया है 40, इसी के लेंथ के अनुसार 40 लेके जाएंगे और हाइट कितना है 15 इसी के अनुसार जाएंगे और फिर 40 लेके जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 40 ले जाने के बाद यहाँ से बंद होगा, ये पहला वाला पार्ट ये बन गया। इसके बाद से दोस्तों ये दिखाई देगा हमें, इस साइड से जब देखेंगे तो कितना हाइट है, यहाँ पे दिया है 15, तो ये भी 15 जाएगा और 15 जाने के बाद से क्या है, ऊपर जाके मिल जाएगा, सेम दोनों एक ही साइड के एक ही सह से मिलेंगे, ये आपका साइड बनके तैयार हो गया, क्लियर। अब आपका साइड और फ्रंट बन के
तैयार हो गया, तो अब टॉप आपको बनाना है। तो सिंपल है दोस्तों कि 55 का लेंथ ले लेंगे, यहाँ से 55 का हमने लेंथ लिया इसी के पैरेलल, और लेने के बाद से क्या करेंगे दोस्तों, हाइट कितनी है इसकी, लेंथ कितनी है 40 तक जाएंगे, यहाँ 40 ले लिए, और 40 लेने के बाद एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप ऊपर से देखोगे तो ये भी एक लाइन बन रहा है, ये भी एक लाइन बन रहा है, इसके नीचे हिडन लाइन ये बनेगा और इसके नीचे हिडन लाइन ये बनेगी, उसके बाद ये लाइन और उसके बाद ये लाइन, ठीक है, कुछ काफ़ी लाइन बन रही है। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं 35 का, तो सीधे इसका आधा कर दो, कितना हुआ 27.4, 27 × 54 और 5 तो का कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। 27.5 को डबल करोगे तो 55 हो जाएगा, और यहाँ से पॉइंट लगा लोगे तो ये जो दिखाई दे रहा है, अगर ना कुछ आए तो यही जो लाइन है इसी के पैरेलल खींच दो। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम इसी के पैरेलल ये लाइन खींच देंगे और इसी के पैरेलल ये लाइन खींच देंगे। जब ये लाइन दोनों हम खींच देंगे तो उसके बाद से हिडन लाइन शुरू करेंगे दोस्तों। तो ये वाला हिडन लाइन और ये वाला हिडन लाइन जो इसके नीचे है, वो कैसे हमें मालूम होगा, या तो आप यहाँ से नाप लीजिए, या तो आप यहाँ से नाप लीजिए, या जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो डायरेक्ट ये लाइन खींच दीजिए, आप इसी के पैरेलल इस स्केल को लगाते हुए ये लाइन खींच देंगे, तो ये हिडन लाइन आपका तैयार हो जाएगा, ये कन्फर्म हो गया। अब इसके बाद साइड का ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका 3 हो गया, तो 1, 2, 3 ये हो गया और 1, 2, 3 हो गया, आपका कितना बन गया दोस्तों, 6 बन गया, 6 बन के आपके तैयार हो गई। ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ पे चाहेंगे तो आप 35 दर्शा दीजिए, यहाँ पे 55 दर्शा दीजिए, यहाँ पे जो आपका 20 है वो 20 दर्शा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे कितना है 55 तो 55 दर्शा दीजिए, यहाँ पे 15 है तो 15 दर्शा दीजिए, ये आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 15 है तो 15 दे सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन आपके ऊपर है किस प्रकार से आप देते हैं, आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। अब बढ़ा चलिए, अगर आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है तो क्या करेंगे, जो थर्ड एंगल है अगर साइड यहां है तो ये साइड का सॉरी टॉप अगर यहां है तो ये टॉप उठ के कहां जाएगा, यहां पे चला आएगा दोस्तों, ठीक है, सिंपल यहां पे चला आएगा, ये जो टॉप है यहां पे आ गया। अगर ये साइड आपका फ्रंट, ये फ्रंट है, ये साइड है, अगर ये साइड यहां था, ये साइड यहाँ है, ये साइड कहाँ आएगी, प्रथम चतुर्थांश में मैं बताया हूँ, तो ये साइड आपका प्रथम चतुर्थांश में आएगा, तो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, सिंपल ऐसे। अब इसके बाद से ये यहाँ पे बनेगा, तो क्या करना है दोस्तों, अब इसको हमें यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, सिंपल एकदम ऐसे डायरेक्ट जिस प्रकार से हम खींचे थे और बनाए थे, सारे डायमेंशन वही नाप के उसी प्रकार से हम इसको रख देंगे, ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हो जाएगा, ये आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से हमें अगर ऑर्थोग्राफी दे दिया है तो आइसोमेट्रिक को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक बनाने के लिए दोस्तों सिंपल आपको क्या करना रहता है, एक स्केल लेंगे और प्रोटेक्टर लेंगे, सेट स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे आप प्रोटेक्टर को रखेंगे, एक सीधे लाइन खींचेंगे, और लाइन खींचने के बाद से 30 इधर खींचेंगे और एक 30 इधर खींचेंगे, इसका है डायमेंशन कितना था 55 ले लिए, और इसका कितना था 40 ले लिए, हाइट कितना था 15 ले लिए, सेट स्क्वायर से फिर हाइट व्हाट एक सेट स्क्वायर ऐसे है दोस्तों, ठीक है, और एक प्रोटेक्टर ऐसे है, ये वाला नीचे लगाओगे यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला जो है यहाँ पर जब रख के चलाओगे तो ये वाला 15 का एमएम का खींचेगा, तो ये 15 हो गया, 55 हो गया, 40 हो गया, फिर यहाँ पे 15 हो गया, ये डायरेक्ट इसे मिला देंगे, ओके, ये डायरेक्ट इसे मिला देंगे, इतना हमारा ये वाला पार्ट यहाँ का बना और ये वाला पार्ट जो है यहाँ का बना। अब इसे मुझे बनाना है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसके बॉक्स को ही बना लो, ठीक है, तो जब इसके बॉक्स को आप बना लोगे तो दिक्कत दूर हो जाएगी। अब देखो क्या करना है दोस्तों, यहाँ के टॉप को बनाना है और ये बनाना है, अब क्या करेंगे 55 का आधा करेंगे, हमें कितना दिया था 20, यहाँ पे 20 जो था गैप 20 और इधर भी 20 मानने के बाद से जो हमारे बीच का स्पेस है उसको लेके चलेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है मैं 20 से मिला देगा, ये इतना काम खत्म, ये भी हो गया, यहाँ से जो 20 इधर जा रहा था वो हम लेके गए, ये इतना काम खत्म है अब यहाँ से, ठीक है। अब इसके ऊपर जस्ट हमें बनाना है, क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला लाइन 15 और ऊपर लेके जाएंगे, जाए और ये वाला यहाँ से गिराएंगे, यहाँ पे आके मिला, मिल गया, मिल गया,
अब इस लाइन को हमने कितना माना था, 55, यहाँ पे 55 सॉरी 35, 35 लिखे थे, तो 35 को आधा किए थे, तो इस लाइन को जब हम आधा करेंगे तो यहाँ से एक सेंटर लाइन ले लो, और सेंटर लाइन लेने के बाद से इधर भी 17.5 और इधर भी कर दो 17.5, तो हो जाएगा हमारा 35, तो 35 हो जाएगा। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पे जो 20 है ये तो आपका गिरेगा डायरेक्ट आके यहाँ वाला पॉइंट, लेकिन हमको एक ऊपर का चाहिए, तो क्या करेंगे, जब यहाँ से 17.5 जाएगा तो ये वाला 17.5 यहाँ और 17.5 यहाँ दोनों को जब गिराएंगे तो ये यहाँ पे गिरेगा और ये यहाँ पे गिरेगा, और इस पे यहाँ डायरेक्ट मिला देंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे डायरेक्ट मिला देंगे, तो ये वाला लाइन जो है इसमें डायरेक्ट मिलेगी, ये वाला और ये इसमें मिलेगी, और यहाँ पे ये मिलेगा, और ये दोनों जाके इसमें मिल जाएंगे। अब ये पहले वाला व्यू, और यहाँ पे इरेजिंग कर देंगे इसको सारा, ठीक है, अब इसे इरेजिंग कर देंगे और यहाँ पे मिला देंगे, ये इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, ये भी इसमें नहीं रहेगा, और पहले वाले जैसे हमारा व्यू बन के तैयार हो गया। ये जब आप सेट स्क्वायर बनाओगे तो ये कुछ लंबा बनेगा इस प्रकार से, और ये यहाँ पे मिलेगी, अब डायरेक्ट इसमें आएगा, और ये भी पॉइंट क्या होगा कि यहाँ से जो ये पॉइंट दिख रहा है ये भी कुछ लंबा बनेगा, ठीक है, तो ये आपका आर्थोग्राफी से आइसोमेट्रिक बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप दर्शा देंगे, यहाँ पे फ्रंट या एलिवेशन दर्शा देंगे ई से, और यहाँ पे साइड दर्शा देंगे, ओके दोस्तों, ये आपका टॉप फ्रंट साइड, ये आपका टॉप फ्रंट साइड, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल एंड आइसोमेट्रिक व्यू में बन के तैयार होगा। नमस्कार दोस्तों।